डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। ये SST के वीडियो का तीसरा पार्ट है। स्टूडेंट, SST और संस्कृत की क्लास 10 की फुल कोर्स इस चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, उसी के क्रम में हम लगे हुए हैं और आप तीसरा पार्ट डालेंगे। स्टूडेंट, इसमें भी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स इसमें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलग ढंग से। तो सबसे पहला जो ढंग है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के आधार पे। डियर स्टूडेंट, ओरिजिन का हिंदी मीनिंग होता है उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति के आधार पे रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पे रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया, यानी ओरिजिन के आधार पे, बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट स्टूडेंट बांटा गया है वो है बायोटिक, और सेकेंड जो आपको बांटा गया है वो है अबायोटिक। स्टूडेंट, अब आता है कि बायोटिक क्या है, एबायोटिक क्या है। बायोटिक मतलब स्टूडेंट मीन्स कि ऐसा रिसोर्स जिसको हम बायोस्फीयर से ऑप्टेन कर सकें, ऐसा रिसोर्स जिसको हम बायोस्फीयर से ऑप्टेन कर सकें, जैसे आपको फिश हो गए, फ्लोरा फाना हो गए, ये बायोटिक रिसोर्स है। दोज रिसोर्स वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम ए बायोस्फीयर, ये है बायोटिक रिसोर्स। स्टूडेंट, अब हम जानते हैं अबायोटिक रिसोर्स क्या है। तो स्टूडेंट, अबायोटिक मतलब दोज रिसोर्स, मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट से ऑप्टेन करें। दोज रिसोर्स वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एग्जांपल रॉक। अगर रॉक से हम कुछ रिसोर्स ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ में बिल्डिंग बनाने में काम आती है, तो रॉक क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, और उससे हम लोग अपना रिसोर्स ले रहे हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ आपको ओरिजिन के आधार पर। अगला स्टूडेंट हम पढ़ेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे बायोटिक एंड एबायोटिक आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। ये मैंने पहले भी पढ़ा है, पहले पार्ट में भी, और फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी मतलब संभावना, मतलब खत्म होने के आधार पे। अगर रिसोर्स क्या खत्म होगा नहीं होगा, इसके आधार पे एग्जस्ट कैसे करेगा, उसके आधार पे रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया। तो स्टूडेंट ध्यान से आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। 10th क्लास की पूरी कोर्स यहाँ पे SST की मैं एक एक चैप्टर की यहाँ पे कराऊंगा, और संस्कृत क्लास 10 की और सारी वीडियो भी 9-11 की अपलोड होगी। तो स्टूडेंट बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स। स्टूडेंट, रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या होता है कि ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस करके रिन्यू करा सके, इट इज नोन एज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे अगर हम किसी चीज को रिन्यू करा दे तो क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। जैसे वाटर को हम रिन्यू करा सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब सेकेंड आता है एडजस्टेबिलिटी के आधार पे नॉन रिन्यूएबल। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि हम क्या करें, ऐसे रिसोर्स को जो एक बार यूज करने के बाद एडजस्ट हो जाए और उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग क्या करा सके, रिन्यू नहीं करा सके, वेदर उसमें केमिकल प्रोसेस लगाए, मैकेनिकल, फिजिकल प्रोसेस, किसी प्रोसेस से, वो क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। जिसको हम लोग रिन्यू करा सकते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। स्टूडेंट, अब हम थोड़ा आगे भी जानते हैं, तो आप प्लीज शुरू से SST को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब स्टूडेंट हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार। अब हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो डाउट व्हाट इज ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब होता है, मतलब कि किसी के मालिकाना हक के आधार पे, मतलब उसका ऑनर कौन है, इस पे, इसके आधार पे रिसोर्स को चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट बांटा गया है इंडिविजुअल रिसोर्स। स्टूडेंट, इंडिविजुअल रिसोर्स। अब हम जानते हैं, यहाँ पे मार्कर की थोड़ी समस्या आ रही है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स में हम जानते हैं क्या होता है, देखो कि ऐसा रिसोर्स जो किसी का खास हो, अपना हो, और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये मोबाइल आपके और आपके फैमिली के लिए इंडिविजुअल रिसोर्स है, इसको आप किसी को नहीं दे सकते, ये आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्स है। मतलब कि दोज रिसोर्स ओनेड बाई ए प्राइवेटली इंडिविजुअल, मतलब किसी प्राइवेटली इंडिविजुअल के द्वारा रिसोर्स को ऑन किया जाए। मतलब कि आप जान ही रहे, जैसे आप मोबाइल है उसको ऑन आप कर रहे हैं, उस पर किसी का हक नहीं है, आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये है इंडिविजुअल रिसोर्स। दोज रिसोर्स कैन बी ओन बाई ए प्राइवेटली आदमी, मतलब प्राइवेटली मैन या
इंडिविजुअल रिसोर्स, या इंडिविजुअल के द्वारा किया जाए इंडिविजुअल रिसोर्स है। अब आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। अब किसी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स के बारे में हम बात करेंगे, तो स्टूडेंट जान लीजिए यहाँ पे थोड़ा मैं जल्दी लिख रहा हूँ, टाइम के अभाव में। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्स मतलब क्या होता है कि किसी खास कम्युनिटी द्वारा उसको ओन किया जाए, मतलब कि उस पर अगर उस रिसोर्स से कुछ फायदा हो रहा है तो क्या हो कि किसी मतलब कि कम्युनिटी के ऑल मेंबर को, जैसे गांव में होता है, जैसे कोई अगर सरकारी जमीन है तो वो तो गवर्नमेंट रिसोर्स है, लेकिन उसी के बगल में मान लीजिए जंगल है, तो क्या होते हैं गाँव में लोगों के यहाँ पे आपको एनिमल उनिमल क्या किए यहाँ पर ग्रेज होते, मतलब खाना खाएं, घास को चरें। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब ये घास को चरते हैं तो ज़मीन क्या होता है किसी खास कम्युनिटी के होते, कहते नहीं इसमें ये गांव के लोग के है, ये गांव का लोग ही इसमें अपना गाय बैल भैंसी चराएं। जैसे ग्राउंड होता है विलेज में जो अभी मैंने बताया, खेलने का मैदान हो गया, ये किसी खास कम्युनिटी ऑन करती है इसको, ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है। इसमें पब्लिक पार्क होगा जहाँ आप पिकनिक मना रहे होंगे वो होगा, ये सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स में आता है। डियर स्टूडेंट अब हम जानेंगे रिसोर्स जो चौथा रिसोर्स है उसके बारे में। डियर स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में ये था। अब स्टूडेंट होता क्या है कि अब तीसरा रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तीसरा रिसोर्स क्या होता है, नेशनल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो देश का हो, किसी पार्टिकुलर देश का हो, वह नेशनल रिसोर्स कहलाता है। जैसे हम इसको विस्तार से समझेंगे कैसे नेशनल रिसोर्स है, तो डियर स्टूडेंट इसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। नेशनल रिसोर्स मीन्स जैसे देखिए हमारे यहाँ रेड फोर्ट है दिल्ली में, ठीक है, ये क्या है नेशनल रिसोर्स है, हमारे देश का ये रिसोर्स है। इस पर आपको जापान आके टैक्सेस वसूल नहीं करता है, इसका जो आय होता है, जो इनकम सरकार करती है गवर्नमेंट पर्यटन के दृष्टि से, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देगी। रेड फोर्ट में गए आप, फोर्ट में टिकट कटाए तो जितना भी राजस्व है, रेवेन्यू है, वो सरकार का हो गया। तो ये नेशनल रिसोर्स का एग्जाम, इससे नेशंस को फायदा पहुँच रहा है और देश का ये संपत्ति है। रेलवे है, नेशनल रिसोर्स है, इस पर कोई दूसरा देश आके हक नहीं जमा सकता कि भैया हमको दो, ये आपका अपना मतलब हमारा अपने देश का ये रिसोर्स है, इसलिए नेशनल रिसोर्स है। अब ये स्टूडेंट होता है कि कुछ रिसोर्स होते हैं इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, डियर स्टूडेंट इंटरनेशनल का हिंदी मीनिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब ऐसा बहुत सारे रिसोर्स है जिसको कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मतलब ऑन करता है इंटरनेशनल। डियर स्टूडेंट अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। डियर स्टूडेंट नेशनल रिसोर्स का एक चीज हमने अभी आपको नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा इंटरनेशनल के रिलेटेड में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये नहीं समझिएगा नहीं बताएं, बताऊंगा, छूटा कुछ नहीं। स्टूडेंट इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करती हो, ऑन करती हो, रेगुलेट करती हो, वो उस रिसोर्स का यूज करती हो। स्टूडेंट अब कैसे होगा, अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, तो उसके लिए हमको एक टर्म समझना होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। होता क्या है स्टूडेंट, जैसे हमारा देश है, हमारा देश क्या है कि तीन तरफ से समुद्रों से घिरा है, जैसे इस साइड में केरला के साइड में आप आएंगे इधर सी सब है, अरेबियन सी सब है। स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, उसकी ये बाउंड्री मतलब यहाँ तक में उसके पास जमीन है और इधर ओशियन, तो ओशियंस है तो उसमें भी तो रिसोर्स होगा, निश्चित बात है कि उसमें भी क्या होगा, संसाधन होंगे। तो स्टूडेंट ये देश जो है मात्र 19.2 किलोमीटर तक ही रिसोर्स ओशियन से ले सकता है, मतलब कि अगर ये चाहिए आपको मैं एक मिनट अब बढ़िया ढंग से समझाता हूँ। अब
जैसे स्टूडेंट देखिए, ये कोई देश है, इसकी जमीन यहाँ तक है, मतलब जमीनी क्षेत्र, और ये सब ओशियंस है, पानी ही पानी। तो क्या होता है स्टूडेंट, हाँ तो डियर स्टूडेंट क्या होता है कि अब ये देश, इसमें भी रिसोर्स है, इसको ये ले सकता है कहाँ तक, तो 19.2 किलोमीटर तक। मान लीजिए 19.2 किलोमीटर इतना है, तो इतना में जितना रिसोर्स होगा उसको ही ले सकता है बिना किसी की अनुमति के, ये इसका अधिकार, ये सब नेशनल रिसोर्स की। अगर स्टूडेंट मान लीजिए कि यहाँ पे भी रिसोर्स है, तो 19.2 किलोमीटर के बाद कोस्टल एरिया, तो ये जो हो गया, इसमें का जितना भी रिसोर्स है, इसमें का जितना भी रिसोर्स है, ये इंटरनेशनल संस्था के पास चल जाता है। अभी इसका यूएनए जो है, यूनाइटेड मतलब स्टेट बना हुआ है, अमेरिका आप जान रहे हैं कि वो सारे देश के मेंबर के एक करके वो क्या करता है, अध्यक्ष बन गया हुआ है उसका, तो वो संस्था बनाए हेल्थ के लिए, WHO है, तो वो सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें का रिसोर्स क्या करेगा, ये इंटरनेशनल रिसोर्स है, ये बिना परमिशन के इंटरनेशनल एसोसिएशन, जैसे स्टूडेंट UN मतलब यूनाइटेड नेशन, तो बहुत सारे देशों का मिलके बना हुआ, मतलब कि एक संघ बनाए हुए कि हाँ हम आपकी बातों को मानेंगे, तो यही यहीं पे काम आएगा। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिसोर्स का, उससे अब परमिट लेना होगा इस देश को कि हाँ भैया यहाँ से हम रिसोर्स निकाल सकते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि साइन करके दे दी, हाँ आप निकाल सकते हो, बदले में कुछ टैक्स लेती है। तो ये सब इंटरनेशनल रिसोर्स का एग्जांपल है, ऐसा रिसोर्स जिसको कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, रेगुलेट करे। तो ये था, इसमें कोई भी इंडिविजुअल को अधिकार नहीं रहता है कि वो आके क्या करे, रिसोर्स ले जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रिसोर्स में सिर्फ उसी कंट्री को मान्यता देती है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ का कंट्री है, तो वो यहाँ का रिसोर्स नहीं निकाल सकता, यही देश निकालेगा यहाँ का रिसोर्स, वेदर इसको मान्यता लेना पड़ेगा। अब देखिए नेशनल रिसोर्स जो नेशंस का, जैसे रेलवे, ये सब नेशनल रिसोर्स के एग्जांपल है। अब डियर स्टूडेंट हम अच्छे से समझेंगे पूरे रिसोर्स चैप्टर को, आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अब आता है रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट विकास के आधार पर, मतलब कौन सा रिसोर्स का कितना विकास होगा, हुआ है, वो कैसे हो सकता है, ये आगे एक टॉपिक ही है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, उसमें जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। डियर स्टूडेंट आपको फाइनली जब चैप्टर एंड होगा तो क्वेश्चन बैंक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक एक चैप्टर के मैं करा दूंगा। तो स्टूडेंट पहले समझते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इस पे रिसोर्स को कैसे बांटा गया। स्टूडेंट जो फर्स्ट रिसोर्स है वो है पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स को स्टूडेंट हम कैसे क्लासिफाई मतलब डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट ऐसा रिसोर्स जो मतलब कि आपके आसपास रीजन में फाउंड तो होता हो, मतलब आता हो लेकिन वो यूटिलाइज नहीं, मतलब कि रिसोर्स फाउंड इन रीजन, मतलब कि हमारे रीजन में वो रिसोर्स आए लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुआ हो। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में एक एग्जांपल है, अब चले जाइए, कोई कमी नहीं है आपको एयर की, कोस्टल एरिया है, लेकिन वो एक रिसोर्स है, हम एयर से क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ने बिजली उत्पादन नहीं किया, ये पोटेंशियल लग गया, तो डेवलपमेंट ऑफ वाइंड वहाँ नहीं हुआ, मतलब कि विंड एनर्जी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये पोटेंशियल रिसोर्स है, ये रिसोर्स तो है, रीजन में फाउंड भी कर रहा है लेकिन यूटिलाइज नहीं है, ठीक है। जैसे आप राजस्थान में चले, सॉरी राजस्थान में क्या है, वहाँ सोलर अफरात है, धूप तापमान 50 डिग्री 60 डिग्री 70 ऐसे पहुँच जाता है, लेकिन क्या है वहाँ सोलर प्लेट की संख्या बहुत कम है, तो रिसोर्स तो फंड हो रहा है रीजन में लेकिन यूटिलाइज नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट ये NCERT का एग्जाम्पल है और आपको एग्जाम में पूछे आप यही का एग्जाम्पल दीजिएगा। स्टूडेंट SST की क्वेश्चन की अगर आप कंक्लूडिंग करें तो एक भी NCERT बुक से बाहर का नहीं रहता है, तो प्लीज आप NCERT बुक के साथ साथ हमारे वीडियो को भी देखते रहिए।
और एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कीजिए स्टूडेंट। ऐसे में एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता ही रहा हूँ आपको। अब आता है डेवलप्ड रिसोर्स। अब डेवलप्ड रिसोर्स क्या है? अब डियर स्टूडेंट आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है स्टूडेंट? डेवलप्ड मतलब होता है डेवलप्ड, मतलब कि विकास। अब रिसोर्स डेवलप कैसे होगा? मतलब ऐसा रिसोर्स जिसका क्वालिटी क्वांटिटी सब सर्वेड है, मतलब कि एकदम पूरा एकदम तय है कि हाँ इतना क्वालिटी में इतना क्वांटिटी है, वो डेवलप्ड रिसोर्स। एंड डिटरमाइंड मतलब कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी सब कुछ उसका डिटरमाइंड है कि हाँ इतना है, एंड यूटिलाइज उसको आदमी यूज भी कर रहा है, वो डेवलप्ड रिसोर्स है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना डेवलप रिसोर्स है, तो तय कीजिए कि कितना डेवलप है परसेंटेज में। तो स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड करेगा कि उसमें कितना टेक्नोलॉजी लगा है, और उसमें हम अच्छा टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स हायर होगा अनदर रिसोर्स के तुलना में। स्टूडेंट ये था डेवलप्ड रिसोर्स ये था मतलब रिसोर्स विच आर डिटरमाइंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड यूटिलाइज फॉर द पीपल। अब स्टूडेंट हम जानते हैं स्टॉक रिसोर्स क्या है। हिंदी के सारे हम समझेंगे स्टॉक, स्टॉक रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जो पोटेंशियल हो, मतलब कि यूज नहीं हो रहा लेकिन स्टॉक क्यों है, तो पोटेंशियल हो। अब पोटेंशियल रिसोर्स और स्टॉक रिसोर्स में डिफरेंस क्या होता है कि पोटेंशियल में हम लोग सब कुछ जानते हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, सोलर पैनल लगाइए सोलर एनर्जी का यूज कीजिए, पोटेंशियल रिसोर्स सोलर अभी एनर्जी। स्टॉक में क्या होता है, ऐसा रिसोर्स पोटेंशियल तो है यूज में नहीं है लेकिन क्यों नहीं है, तो उसकी टेक्नोलॉजी को हम नहीं जान पा रहे, उसके टेक्नोलॉजी मतलब कि उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगा है उसके बारे में हमको नॉलेज थोड़ा भी नहीं है, इसलिए वो स्टॉक रिसोर्स है। जैसे वाटर, वाटर क्या है स्टॉक रिसोर्स है। कैसे, तो हम यहाँ पे आएंगे थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे, तो स्टूडेंट देखेंगे वाटर कैसे बनता है, तो H2+O2 यानी H2O। स्टूडेंट टेंथ की वीडियो आप देख रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एजुकेशन, तो उसमें बैलेंस आएगा इसलिए 2H2O हो जाएगा। स्टूडेंट H2+O2 मिलके बना H2O, तो हम टेक्नोलॉजी H2O क्या है स्टॉक रिसोर्स हो गया, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं कि H2O को हम कैसे तोड़ दें, H2O को हम कैसे तोड़ दें कि हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर से प्राप्त हो जाए। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन सबसे बड़ा इनफ्लेमेबल गैस है, इसको हम गैस के मतलब आग जला के खाने बनाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्टॉक में पड़ा हुआ है। स्टूडेंट ऐसी एक टेक्निक है लेकिन बहुत महंगी होगी, H2O में अगर हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो H2+O2 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नाम जाना जाता है। तो स्टूडेंट ये केमिस्ट्री की वीडियो आएगी उसमें आपको बताया जाएगा पूरा। अब स्टूडेंट आता है रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स क्या है स्टूडेंट, सिंपल समझेंगे कि रिजर्व रिसोर्स क्या है, इसमें हम टेक्नोलॉजी भी जान रहे हैं कि हाँ ये टेक्नोलॉजी हम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें रिसोर्स में काम आएगा, लेकिन नहीं कहते रिजर्व में रखल है, रिजर्व में ये हमारे बिहार में भाषा रिजर्व में रखल है, मतलब कि कभी ना कभी उसका यूज करेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो रिजर्व रिसोर्स में आ जाएगा, मतलब कि फ्यूचर के लिए हम उसका इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए। इसमें क्या गुण होगा, अगर डिफरेंस पूछे स्टॉक रिजर्व में, तो रिजर्व में क्या होगा कि हम टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, जैसे आप पानी वाटर को आप हाइड्रल इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करके बिजली उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अभी आप जान रहे हैं कि हमारा देश 3 पार्ट से वाटर से ही घिरा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज भी हम आपको पानी से बिजली उत्पादन करने में असफल हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए पड़ा है, जब खत्म हो जाएगा कोल पेट्रोलियम तो आएंगे, तो ये रिजर्व रिसोर्स है। तो इसमें पूरा कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्स, 2 पार्ट में था, दोनों के वीडियो अपलोड है, ये इस पार्ट की है और वो उस पार्ट की है। तो स्टूडेंट कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट ये पार्ट 3 वीडियो था
पार्ट टू ऑन अपलोड है और ऐसे ही हम चैप्टर में 10 पार्ट में हो लेकिन एक एक लाइन भी नहीं छूटने देंगे और पूरी चीज़ को समझाएंगे क्योंकि SST एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।